अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसका इसके बारे में हम जानेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रही है। द नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर ए वेरियस पर्पस, यहाँ पे किन किन पर्पस के लिए हमने ये यूज करना है इसको आपने भी समझना है। एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेल की, ये अगर मैं एक सेल बनाता हूँ ठीक है, तो ये सेल की मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल है, यानी कुछ चीजों को ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है और बाकी जो अंदर की चीजें उनको अंदर ही रोके रखती है, और जो इसकी नीड है उसको अंदर आने देगी और जो नहीं नीड उसको बाहर ही रहने देगी ठीक है, सिलेक्टिव करके चीजों को अंदर आने देती है। वैसे यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अभी आपने देखना है, वी नो दैट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, यानी ये सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए होती है। अब आर्टिफिशियल हम मेम्ब्रेन एक प्रिपेयर कर लेंगे, आर्टिफिशियल जो हम मेम्ब्रेन प्रिपेयर करेंगे वो ये आप समझ लें कि इस तरह ही हमने एक मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी और नीचे ये अपरेटस है, इसमें हम वायरसेस और बैक्टीरिया को, एक सोल्यूशन होगा जिसमें वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों रखे जाएंगे, और इसमें जो अब जब वायरसेस और बैक्टीरिया को इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास किया जाएगा तो वायरसेस क्या होंगे वो नीचे चले जाएंगे इस मेम्ब्रेन से गुजर के, लेकिन बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आर्टिफिशियल सिंथेसाइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, क्यों, क्योंकि बिकॉज जो बैक्टीरिया है उस वो कैन नॉट पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका साइज बड़ा होता है, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है, इस वजह से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकता, और वायरसेस क्या होंगे, गुजर के इनसे सेपरेट हो जाएंगे। एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो आपको मैंने बताया कि वो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, और आर्टिफिशियल जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं उसमें हम बैक्टीरिया को वायरसेस से सेपरेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को वायरसेस से सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज जो वायरसेस हैं वो उनका साइज छोटा है और बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा एक और चीज देखनी है, इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज जो मेम्ब्रेन है RO, आपने सुना होगा RO प्लांट जो पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस यूज होती है, यानी ऑस्मोसिस का रिवर्स ठीक है। अच्छा ये जो वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं, RO प्लांट्स जो है रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस उसके अंदर टेक्निक यूज हो रही है। इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है सॉल्ट्स को वाटर से, कैसे, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में तो ये था कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टूवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टूवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है कि पानी आप समझ लीजिए एक फिल्टर है, इसमें ये पानी भी मौजूद है ठीक है, पानी भी मौजूद है और साथ में, इसको गौर से सुनना है, इसमें पानी भी मौजूद है और साथ में हम बात कर रहे हैं कि ये वेस्ट मटेरियल या साल्ट वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं ठीक है, पानी और वेस्ट दोनों मौजूद हैं, होना तो ये चाहिए था इस जगह पे भी जो पानी मौजूद है, इस जगह पे भी हमारे पास जो पानी फिल्टर होकर जो जाता है वो भी मौजूद है, होना तो क्या चाहिए था कि होना ये चाहिए था कि ये जो साफ पानी है जो जिधर लेसर से ये इधर इधर मूव करता, लेकिन ये रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में होता क्या है, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में ये होता है कि जो वाटर है पानी जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है, यानी जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हायर है वहां से ये लोअर की तरफ मूव करेगा, और जो फिल्टर पानी है वो फिर हम जो साफ पानी है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल सा इसको दोबारा देखना है, मैं अंडू करके यहाँ पे इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक मिनट ये अच्छा इसको थोड़ा सा आपने फिर देखना है कि ये मैं एक और, ये फॉर एग्जाम्पल ये पानी है बच्चों, ये पानी है और ये बीच में हमारे पास क्या चीज है, ये हम बात करेंगे वेस्ट मटेरियल, वो मतलब साल्ट वगैरह जो गंद वगैरह जो होते हैं, साल्ट हो गए या कोई और चीजें, रेत के जर्रात वगैरह ये जो भी चीजें पानी के अंदर जो शामिल है, फिल्टर प्लांट का काम ही है कि उसको पानी को फिल्टर करे, और इस साइड पे आपका, मैं सिंपल सा बना रहा हूँ फिल्टर प्लांट, दो मैंने स्ट्रक्चर बना लिए, एक साइड पे आपका पानी है और एक साइड पे बीच में साल्ट भी है, और दूसरे साइड में जो आपका पानी स्टोर कौन सा होगा, पानी स्टोर होगा जो फिल्टर वाटर, फिल्टर वाटर, और ये आप समझ लें कि यहाँ पे हमने एक जो है ना आउटलेट निकाली हुई है जहां से हम पानी बार बार के पियेंगे ठीक है। होगा क्या, होना आपके ख्याल में तो ये चाहिए था कि ऑस्मोसिस में ये होता है कि जहां पे लेसर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है पानी उधर मूव करे, लेकिन RO टेक्नोलॉजी में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि पानी जो है जहाँ पे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से ये मूव करता है हायर, मतलब जहां पे हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वहां से ये लेसर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टुवर्ड अ
हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। लेकिन आरओ के अंदर रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जहां पे वाटर के अंदर साल्ट्स की वेस्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से पानी मूव करेगा जहां पे बिल्कुल उसकी कंसेंट्रेशन कम है, तो ये रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस है। और यहाँ से फिर एट द एंड आप पानी को निकाल निकाल के आप यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस था रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में हमने क्या करा था, लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन से पानी मूव करता है हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, और रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस में हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन से लेसर की तरफ मूव करता है। मेरे ख्याल में ये टॉपिक तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाना चाहिए। आगे अभी हम एक और टॉपिक इसके साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो आपका क्वेश्चन हुआ वो आप पूछ सकते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन क्या चीज है, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स टू मूव अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द एड, यानी एड कहते हैं मतलब हाइड्रोस्टेटिक यानी वाटर के प्रेशर से या ब्लड के प्रेशर से मॉलिक्यूल का यानी ब्लड के प्रेशर से सेपरेट करना मटेरियल को। इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट आपको मैं दोबारा बताता हूँ क्या चीज है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो क्या हो जाएंगे, ब्लड से सेपरेट होंगे। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है, वो मैं उसकी डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये ब्लड आ रहा है बच्चे एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये बाहर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये ब्लड जब प्रेशर लगेगा तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है, ठीक है, या जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, यानी इस मेम्ब्रेन से इस कैपिलरी की वॉल से ये बाहर चले जाते हैं और बाकी जो अंदर है लार्ज मॉलिक्यूल रह जाएंगे या फिल्टर ब्लड रह जाएगा। अब आपको एक डायग्राम में बताऊंगा, दोबारा इसको एक बार फिर देख लें और फिर मैं आपको डायग्राम बताता हूँ क्या चीज है कि फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को फोर्स किया जाता है अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या वाटर के प्रेशर से या ब्लड के प्रेशर से, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, जब हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ये देखें जी, ये बेसिकली एक आपको ना नेफ्रॉन नजर आ रही है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये नेफ्रॉन के अंदर ये जो बाहर का हिस्सा है ना, इसे बोमैन कैप्सूल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, बोमैन कैप्सूल, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बोमैन कैप्सूल है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ब्लड आ रहा है बेसिकली किडनी से बाहर से, जब ब्लड आता है ना तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड इसके अंदर आता है, ये ग्लोमेरुलस है। इसको गौर से सुनना है, ये हमारे पास बोमैन कैप्सूल है, ये अंदर जो आपको ना बिल्कुल लाइट लाइट कलर का नजर आ रहा है ये ग्लोमेरुलस है। जब ब्लड के अंदर इसके अंदर से पास होता है तो ब्लड प्रेशर बनाता है और प्रेशर से जितना भी वेस्ट है वो यहाँ पे चला जाता है, जो वेस्ट है वो इधर आ जाएगा, इसको जो वेस्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, यानी इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। ये जो ट्यूब्यूल्स घूम रही है इनके अंदर वेस्ट आ जाएगा इस तरह, और जो प्योर फिल्टर ब्लड है वो वापस बाहर आ जाएगा, और फिल्टर ब्लड यहाँ से ये घूमता हुआ, ठीक है, इनके इर्द गिर्द, और दोबारा जो ब्लड है वो किडनी के थ्रू यानी किडनी के से बाहर चला जाएगा। यानी ब्लड पहले अंदर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे फिल्टर होगा ब्लड के प्रेशर से, ब्लड का जितना भी वेस्ट है जो यूरिया यूरिक एसिड वाटर वगैरह वो यहाँ से इन ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है, और इन ट्यूब्यूल से ये पास होता हुआ यहाँ से ये गुजरता हुआ, ठीक है, इधर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और इधर से ये ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर मसाने के अंदर जाता है, और फिर थ्रू यूरिनेशन वो जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर, किडनी यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी यूरिन बना रहे हैं। तो इसका फिर प्रोसेस आपने समझ लिया कि एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के दौरान जितना भी वेस्ट है वो सारे का सारा वेस्ट जो है इनके अंदर चला गया और बाकी जो प्योर फिल्टर ब्लड है वो वापस बाहर चला जाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा था ये सारा स्ट्रक्चर फिल्ट्रेशन का, वही सेम प्रोसेस आपको बता रहा है कि देखें किडनी के जब उसके अंदर जब ये जाता है ना, वो जिस तरह भी आपको पीछे बताया ग्लोमेरुलस के अंदर, तो जितना भी ब्लड का वेस्ट है वो ट्यूब के अंदर चला जाता है, और वो ट्यूब कहाँ पे लेके जा रही है, उसको मसाने के अंदर यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वेस्ट को ले जाएगी, और बाकी जो फिल्टर ब्लड होगा वो वापस किडनी से बाहर चला जाएगा। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम क्या था, फिल्ट्रेशन, ठीक है।